और मोहब्बत की बात वो कर रहे थे, दादाजी बैठे हुए हैं, आपका जमाना वाकई में प्यार का जमाना था। आपके जमाने में पशु पक्षी भी प्यार करते थे। हमारा जमाना गड़बड़ है, हमें मोबाइल से काम चलाना पड़ता है। आप तो कबूतर के गले में चिट्ठी बांधते थे, कबूतर से कहते थे कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। आपके जमाने के कबूतर भी ईमानदार होते थे। आपकी चिट्ठी ठीक जगह पहुंच गई होगी, समस्या तो इन लड़कों के सामने है। कहां जा रहे भाई साहब? अच्छा, आई लव यू के लिए। इनके सामने समस्या है सर। अगर ये कबूतर के गले में चिट्ठी बांध भी दें तो कहना क्या चाहते हैं? कबूतर जा, कबूतर जा, कबूतर जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी किसी तीसरी को दे। मैं क्रांति मोदी आपका स्वागत करता हूँ। विप्लव मोदी का बड़ा भाई। ये है मोहब्बत, ये प्यार है हमारे बुजुर्गों का। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा क्रांति मोदी सर के लिए। ये बुजुर्गों का प्यार जब तक है, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को कोई खतरा नहीं हो सकता। मैं प्रणाम करता हूं उनको बहुत बहुत। लेकिन सर, आजकल तो जमाना बदल गया है। लड़के कबूतर के गले में चिट्ठी बांधे तो कबूतर से कहते हैं कबूतर जा, कबूतर जा, कबूतर जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी किसी तीसरी को दिया। ये जमाना आ गया। मैं तो पिछले दिनों एक स्कूल का जुलूस देख रहा, जिसमें आगे आगे लड़कियां और पीछे पीछे लड़के बाबूजी, और लड़कियां नारे लगा रही देश की रक्षा काम करेगा, काम करेगा, और पीछे से नौजवान लड़के छाती कूट कूट के कह रहे हम करेंगे, हम करेंगे। मैंने लड़के को बुलाया, मैंने कि तुझे पता है कि ये देश कहाँ है? कहे आगे आगे जाता रहा है। ये जमाना आ गया सर। वाकई में मोदी जी, आपका जमाना ही गजब था। बुजुर्गों का जमाना तो इतना जमाना, राजकुमार भाई, दादा इधर मनोहर मनोज जी बैठे, गजब जमाना। ये बात मेरे समझ में पिछले दिनों आई। मेरे मोहल्ले में बुढ़िया बीमार हो गई। अखिल भाई साहब, आप केवल मेरी तरफ देखो, मुझसे सुंदर कोई नहीं है। ये बात पिछले दिनों मेरी समझ में आई। मेरे पड़ोस में बुढ़िया बीमार हो गई। क्या बीमार हुई? खाए नहीं, पिए नहीं, चले नहीं, फिरे नहीं, उठे नहीं, बैठे नहीं, और बुढ़ा परेशान, और बुढ़िया से इतना प्यार करता, इतना प्यार करता कि दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल दो तो बोना लगे। चार पाई के बगल में ही कुर्सी डाल ली और बुढ़िया की नब्ज पकड़ के बैठा रहता। बुढ़िया कैसे ठीक होगी? बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, बुढ़िया ठीक होने का नाम ही नहीं ले। उसने कसम खा रखी थी। जैसे एक दिन एक लड़के ने अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला कि तुम्हारा मोटरसाइकिल को लेके चला गया। बुढ़े ने सोचा, जब ये लोहे की मोटरसाइकिल पेट्रोल से चल सकती है तब क्यों ना मैं अपनी इस बुढ़िया को पेट्रोल का इंजेक्शन लगा दूं, तो ये जरूर थोड़ी बहुत चलेगी फिरेगी। पेट्रोल पंप से पेट्रोल मंगाया, डिस्पोजल सिरिंज में इंजेक्शन भर के चार पाई पर रख लिया। आप थोड़ा हंसने के लिए तैयार रहना, चार पाई पर रख लिया। ये सोचकर कि जैसे ये करवट लेगी या सोने की कोशिश करेगी तो मैं चुपचाप इसके इंजेक्शन लगा दूंगा। और जैसे ही बुढ़े को मौका मिला, बुढ़े ने झट से पेट्रोल का इंजेक्शन बुढ़िया को लगा दिया। और जैसे ही पेट्रोल शरीर के अंदर पहुंची, मारे जलन के बुढ़िया चार पाई पे से खड़ी, कभी कमरे में इधर भागी। अब हंसने के लिए तैयार रहना। कभी कमरे में इधर भागे, कभी कमरे में उधर भागे, और बुढ़ा बैठा बैठा सोच रहा 70 की हो गई लेकिन एवरेज तो अब भी पूरा ही दे रहे। ये आदरणीय मोदी जी, आपका प्यार और स्नेह हमें जो मिला, बहुत बहुत आनंदित हैं हम। और ये उत्सव आनंद का उत्सव है। वाकई में देखे, राजनीति की बातें भी कर रहे थे। ईमानदारी से सर बता रहा हूँ, 70 साल में हमें पहली बार मालूम पड़ा है कि इस देश में कोई आदमी प्रधानमंत्री है। 10 साल तक तो ऐसे आदमी को झेलते रहे जो बोलता ही नहीं था। हंसने की बात नहीं है, अब ऐसे को झेल रहे हैं जो किसी को बोलने ही नहीं देते। पहली बार संसद में, आप तो पता है, प्रधानमंत्री की शपथ लेकर के 4 साल पहले संसद में गए तो संसद के पैर छुए। लोगों को लगा, भैया ये 56 इंची नहीं, 128 इंची सीने वाला आदमी है।
क्या फिर लाल किले पे जाके भाषण दिया, मित्रा भाई है ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लोग गजब आदमी। फिर गुजरात में 15 दिन बाद जाके भाषण दिया, मित्रा भाई है ना, घर घर में शौचालय बनवाऊंगा। मेरी कि मेरे बाप जब खाएगा नहीं खाने भी नहीं देगा, घर घर में शौचालय का क्या, जब खाएगा नहीं तो जाएगा नहीं। तो एक बार जोरदार ताली बजा देगा। अपन राजनीति राजनीति की ज्यादा ज्यादा हम ज्यादा सोचते नहीं है राजनीति के बारे में सर, अपन सोचते नहीं है ज्यादा।